नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पैली में बीते करीब 10 माह पूर्व सुहागपुर निवासी संजू गौतम व पैली निवासी हीरालाल लालमन यादव का जमीनी विवाद चल रहा था, जहां आरोपी हीरालाल व लालमन यादव ने मृतक संजू गौतम के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी व लाश को सोन नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की, जहां लगभग 10 माह के बाद अंधी हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस घटना में खास बात यह है कि अभी तक मृतक की लाश पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं की है, जिसके प्रयास जारी हैं। दिनों हम लगातार 3 दिवस यहाँ पर थाना पाली में थे और इस अपराध से संबंधित विभिन्न कड़ियों को हमने जोड़ा, मौके का मुआयना किया, संदेहों से पूछताछ की और अपराध के हर एंगल को हमने जोड़कर इस अपराध को पर्दाफाश किया है। उनसे अपराधियों से पूछताछ की गई जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। घटना दिनांक को इनके द्वारा जो है इनकी चूंकि पुरानी रंजिश थी, इनके जमीनी विवाद आपस में इनका कुछ जमीनी विवाद था, मृतक को रास्ते में रोककर इन्होंने उसके साथ घटनाकारी की और इनके मौके पर इनसे कुल्हाड़ी आदि सब जब्त कर लिया गया है। मृतक का शव अभी नहीं पाया गया है, इसके लिए हमारी टीमें लगातार जिस स्थान पर इन्होंने लाश को बहाना बता रहे हैं वहाँ से हमारी लगातार टीमें हमारी सर्चिंग के लिए जारी है और हमने विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी जो सोन नदी के किनारे के लगते हैं उनमें पत्र जारी किया है। इस तरह की कोई अज्ञात लाश हो उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।